हेलो फूडीज, फूडी वी मेरे भाई समझे कि हम लेके आ गए कुछ दिनों का कुछ अद्भुत कुछ अविश्वास। तो गाइस आ चुके हैं हम अमृतसर में, अमृतसर की गलियों में खाने अमृतसर का बहुत ही स्वाद स्वाद सा पकवान। और ये स्वाद पकवान हम ऐसी कहीं से नहीं खाने वाले, हम ये स्वाद पकवान खाएंगे अमृतसर की फेमस जगहों से और जहाँ पे यूजली ज्यादातर टूरिस्ट खाता है। और आज हमें ये देखना है कि ये खाना एक्चुअल में स्वाद होता है या फिर ये ओवर हाइप्ड है। सही बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऊंची दुकान होती है और फीका पकवान हो जाता है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को शुरू। म्यूजिक ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं हम अमृतसर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट शॉप जो है कान्हा स्वीट। और यहाँ पे ना पूरी और आलू बहुत ही ज्यादा फेमस है। और यार इतनी अच्छी खुशबू सूंघ के ना मुझे एक शायरी याद आया। अरे यार फिर से शुरू हो गए। बोलो होको। पेश कीजिए। जिसके बिना है हमारी सुबह अधूरी, वाह खा के दिल पे चल जाती है छुरी, आए हाय वो है आलू पूरी। क्या बात है क्या बात है, जल्दी से ऑर्डर देते हैं और खाते हैं। मुझे भी देता है, वेरी गुड। ऑर्डर देते हैं अपना, बनाते हैं आलू पूरी और आपको दिखाते हैं। फॉर द शूट और खाली प्लेटें आ गई हैं, इसमें कुछ माल पता भरवाऊं कार भाई क्या करूं। चलो जी पालो जी। तो ये आ गए अपने छोले, मतलब आलू पूरी नहीं है, छोले का भी एक एड ऑन है। और साथ में ये क्या भैया, आलू की लौंजी। क्या बात है, इमली डालते पूरी दबा के। ऐसे इमली लेते हैं भैया, दबाते हैं फिर डालते हैं। मेरी प्लेट खाली लग रही है मुझे। ओंकार भाई एक सच्ची बात बताना, पूरी और भटूरे के साथ तुम्हारे हिसाब से आलू जीतते हैं कि छोले जीतते हैं? भाई ये तो खाने के बाद ही पता लगेगा, मतलब मुझे छोले बेटर लगते हैं आलू के साथ। इसमें डिग इन करते हैं, एक बहुत ही बढ़िया सी बुर्की बनाते हैं। ओए होए 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 होए, उसको ये चटपटे आलू में डुबाते हैं। ओए होए ओए होए होए, निहारते हैं आलू के साथ। इतने ज्यादा डिलीशियस है ना, छोले के साथ तो मजा आ गया भाई, आलू के साथ और मजा आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। खा के देते बता, बेस्ट कॉम्बिनेशन किसके साथ है? आलू के साथ, आलू इज द विनर। और यहाँ पे हमने हलवा भी मंगाया। किस चीज का हलवा ये? अच्छा सूजी का हलवा। अरे सूजी का हलवा बनता है घर पे, पर गुड़ वाला नहीं बनता। एक बार ना ऐसे ही खा के देखते हैं। क्या बहुत स्वाद है, ये तो अपने आप में एक डिश है भाई। ये तो बंदा अलग से खा सकता है, सिर्फ हलवा खाए बैठ के और चला जाए। यार यहाँ पे आ गए ना, आपको होगी बहुत ही ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन, वो ये कि आप गैस नहीं कर पाओगे कि यहाँ की बेस्ट चीज है क्या है। आपको आलू भी अच्छे लगेंगे, आपको छोले भी अच्छे लगेंगे, आपको पूरी कल्ली भी अच्छी लगेगी, आपको हलवा भी अच्छा लगेगा। दैट इज द रीजन हमने अपनी इस वीडियो में सबसे पहले नंबर पे इसको रखा है कि दिन की शुरुआत ना गजब कान्हा स्वीट से करो, द अल्टीमेट ब्रेकफास्ट। मजा आ गया खा के। अब चलते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ और देखते हैं वो क्या हमें खिलाने वाले। जब देखो मुक्ति जपती रहती है मीठा खाने की माला, इसीलिए मैं मैडम को लेके आ गया हूँ गुरदास राम जलेबी वाला। मतलब नाम से पता चल गया कि हम यहाँ पे क्या खाने वाले हैं। पहला है जलेबी, दूसरा है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन दो चीजें यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत पुरानी दुकान है, 1956 की शॉप है और 65 साल पुरानी है। तो एक बार ट्राई करते हैं यहाँ की जलेबी और आपको बताते हैं कैसी है। चलो चलो चलो। होए तो भाई साहब गुलाब जामुन देख के ना मेरी इससे नियत इस पे आ गई हुई है। मतलब कसम से मेरा तो यही खाने का मन है। देखो ईस्ट और वेस्ट जलेबी इज ऑलवेज बेस्ट। ऐसा जरूरी नहीं है, अभी देख लेते क्या ज्यादा स्वाद है। हाँ हाँ हाँ। ओ यार ये गर्मा गर्म जलेबी। हाँ हाँ। नहीं ये खा के देखे एक बार, गुलाब जामुन का थोड़ा सा टेस्ट अलग है जो आप यूजली खाते उससे, बट बहुत बढ़िया। थोड़े और गर्म हो सकते थे, चाशनी थोड़ी और गर्म हो सकती थी। जलेबी करारी है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। मुझे मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरी आज तक की लाइफ की बेस्ट जलेबी या बेस्ट गुलाब जामुन है, अच्छे है। डिनर के बाद आप ये खाओ ना, मजा तो आपको आने वाला है। तो अब चलते हैं अपनी अगली जगह पे और देखते हैं अमृतसर की बाकी फेमस फेमस चीजें। तो भाई साहब एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकल्लुफ हो रही है हमें, बहुत ही ज्यादा पसीनों पसीनी हो चुके हुए हैं। वीडियो को जरा लाइक कर देना दिया। और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? ओ भाई तो जी आदित्य में जोश आ गया बिल्कुल पहलवान की तरह और अमृतसर में आ गए। अमृतसरी कुलचा ना खाए ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो पहलवान साहब हम स्पेशली इनको लेके आए पहलवान के अमृतसरी कुलचे के अलावा। यहां के कुलचे खाने
जाता है शायद। ऐसे ऐसे अरे कोई खाना खिला दो। लोग सोचते हैं ना फूड व्लॉगर्स को बहुत ही ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनके खाने में स्पेशल घी डाला जाता है, चीज डाली जाती है। शायद होता आएगा पर हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी शक्ल पे ही हमें इज्जत नहीं देना लिखा हुआ है, खाना ही नहीं दे रहे हैं। बहुत गलत हुआ है दीवा, बहुत गलत हुआ है। बंद कर, रोना बंद कर। क्या बात है भैया, ये चीज तो मैंने खुद करनी थी। तो जी आ चुका है अपना स्पेशल अमृतसरी कुलचा घी में लिप लिपा। तैरता हुआ ऐसा लग रहा है अभी डुबकी मार के आया देसी घी के अंदर। मेन चीज है प्रेजेंटेशन, मेन चीज चटनी भी है। अमृतसर में ना काफी जगहों पे अमृतसरी कुलचा हमने खाया हुआ है, परंतु पहलवान का टेस्ट वाइज बेस्ट लगता है। एक बारी फिर से खाते हैं और देखते हैं क्या ये टेस्ट अभी तक बरकरार है। क्रंच तो पूरा है, पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि कुलचा नहीं पापड़ खाने लगे। और गर्मा गर्म। काफी लोगों को कुलचा चनों के साथ अच्छा लगता है, काफी को सलाद के साथ, चटनी के साथ। तो कमेंट करके बताना आपको कैसा अच्छा लगता है। चटनी के साथ तो अमेजिंग, ये चटनी बहुत बढ़िया है, इसमें मैंगो भी डाला हुआ लग रहा है। यार यहाँ का ना मैंने पहले भी चना कुलचा खाया हुआ है, बेस्ट चीज ये लगती है इतना क्रंची होता है ना, मजा आ जाता है। और इस कुलचे की ना एक और चीज जो अच्छी लगती है वो ये बटर पेपर के ऊपर रख के दिया जाता है, प्लेट वगैरह जो है ना धोने की टेंशन ही नहीं है। इसकी ना फील ये लगता है कि एकदम देसी इंडियन फूड बायोडिग्रेडेबल। कुछ भी बोलो भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी है। तो अब बारी आ गई है अमृतसर की छोटी छोटी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गलियों से निकल के केसर के ढाबे जाने की। और ये केसर का ढाबा फेमस है अपनी हार्ट अटैक दाल के लिए। हमें हार्ट अटैक आया है भैया। और एक चीज मैं और रिकमेंड करूंगा आपको, आप कभी भी अमृतसर का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करो ना तो कभी भी अपनी गाड़ी मत लेके आओ, रिक्शा में ट्रेवल करो, ऑटो में ट्रेवल करो, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा और ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो जी आ चुके हम वर्ल्ड फेमस केसर के ढाबे की किचन में, और भाई साहब जितना इनका सेटिंग एरिया ना उतनी इनकी बड़ी किचन है। और जो चीज यहाँ पे वर्ल्ड फेमस है ना, मेरी पर्सनल फेवरेट हार्ट अटैक वाली दाल, वो देखते हैं जरा। तो जी ये बड़ी सी तांबे वाली देग के अंदर 12 घंटे तक पकती है दाल, और उसके बाद इसके अंदर डाला जाता है देसी घी। क्या बात है, क्या बात है। ओए होए, ओए होए, ये तो मेरे ख्याल से अमृतसर का ना पूरा पैटर्न बन चुका है, कहीं पे भी हमें प्रोडक्ट क्रच करके दे रहे। तो हमने यहाँ पे ना मंगाई है इनकी थाली जिसमें ये देते हैं अपनी हार्ट अटैक दाल, छोले, ये क्या था, रायता, दही और रायते बहुत फर्क होता है, और साथ में लच्छा पराठा है। इस थाली की कीमत है मात्र 280 रुपए, जो कि मेरे को लगता है कि इस देसी घी की क्वांटिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। भाई एक चीज की श्योरिटी दे रहा हूं, 150 रुपए का तो घी है ही है इस थाली के अंदर हमारे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। सर क्रंची बहुत है यार लच्छा पराठा, फुल क्रंची। मुझे ये नहीं समझ आ रहा आदित्य दाल खाएगा या देसी घी खाएगा, मिक्स करके मिक्स कर रहा हूँ साले। हाँ जी जीजा जी, मेरी बहन होती ना खुद खाने से पहले मुझे खिलाती, पहले कोई नहीं अपनी बहन की कमी पूरी कर देता। अगर मुझे तुम्हें खिलाना होता तो मैं खुद ना तुमसे शादी कर लेता, बहन क्यों खिलाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बिल्कुल मजेदार दाल है, मजा आ गया खाने। बस देसी घी का टेस्ट आ रहा हो ना आ रहा हो, बट दाल बहुत स्वाद है, बहुत मजेदार। कमेंट सेक्शन में ना लिख देना हार्ट अटैक दाल इज द बेस्ट। दाल के सामने छोले फिक्के ओंकार रजत्ते हर बात पे उड़ाते हैं मेरी हंसी। हम आ गए हैं अमृतसर टू ड्रिंक लस्सी, और कोई नॉर्मल लस्सी नहीं पी रहे हैं, यहाँ पे ना एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल लस्सी मिलती है, पेड़े वाली लस्सी। तो भाई साहब लस्सी अपनी रेडी हो चुकी हुई है, और मैंने पहली बार ही देखा है कि लस्सी के ऊपर मलाई तो चलो जा रही है, साथ में मक्खन भी जा रहा है। मतलब या लस्सी पे मलाई होती है या मक्खन होता है, पर इसमें दोनों ही है। इंडिया में शायद ही कोई दुकान हो जो एक दिन में इतनी सेल लस्सी की करते हो जितनी ये कर रहे हैं। लस्सी पे लस्सी हमने कराई है, दो लस्सी, पेड़े वाली लस्सी, नॉर्मल लस्सी। सही बात, तो आदि तूने पेड़े वाली कभी नहीं पीना? दिस इज माई फर्स्ट टाइम हैविंग पेड़े वाली लस्सी। लाओ भाई, पहले तो ऊपर का ना मक्खन खाते हैं, मलाई मक्खन बड़ा स्वाद, बड़ा ही स्वाद है। मतलब पी ये रहा है, मन मेरा कर रहा है कि छीन लूँ इससे। बढ़िया है, बहुत स्वाद है, बट ये वाली जो लस्सी है ना अपनी नॉर्मल लस्सी, यार मैं ना उन लोगों में से हूँ, मेरे को प्लेन लस्सी
अच्छी लगती है मुझे, पर फ्लेवरिंग पसंद नहीं है। इसमें जो खट्टापन आता है ना वो इसी में आता है, दही का खट्टापन प्लेन लस्सी में ही आता है। नहीं सच्ची बात है, जो पेड़े वाली लस्सी है वो कुछ लोगों को ही शायद अच्छी लगे, बट ये प्लेन लस्सी हर किसी को अच्छी लगेगी। पर ये पेड़े वाली बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी है, मतलब जैसे काढ़ा हुआ दूध नहीं होता वो वाला फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओंकार है मेरा जीजा और मैं उसका साला। ओंकार मेरा जीजा मैं उसका साला, आज हम आए हैं खाने हंसराज छोले वाला। मेरे को नाम से ये एक चीज क्लियर नहीं हुई, क्या सिर्फ छोले मिलते हैं यहाँ पे? नहीं, छोले इनकी स्पेशलिटी है। उसके साथ आपने जो लेने ले लो, कुलचे लेने कुलचे ले लो, पूरी लेनी है पूरी ले लो, मट्ठी लेनी मट्ठी ले लो। एक बार चलते हैं और ट्राई करते हैं छोले। क्या बात है। तो जी यहाँ पे ना वैसे तो वैरायटी बहुत ज्यादा मिलती है, पर जो चीजें हमने ली है वो है पिज्जा कुलचा, छोलों के अंदर तैर के ना फिर आता है और साथ में मट्ठी और छोले। यार ये ना दोनों चीजें बड़ी यूनिक है, ये कहीं नहीं मिलेंगी आपको। भीगा हुआ कुलचा तो मैंने सुना भी पहली बार है, बट स्वाद बड़ा लग रहा है देखने में। और मट्ठी तो ना यूजली चाय के साथ खाई जाती है, पर यहाँ पे अपने सर में छोलों के साथ भी। चलो चक दो बटे, चक दो बटे। वैसे मैंने चीज देखी है यहाँ पे, ज्यादातर चीजों के साथ छोले जरूर है। बिल्कुल है ना, सही बात है। तो मैं ना सबसे पहले ये क्रंची क्रंची क्रंची, मेरा भी क्रंची खाने का मन हो रहा है, पहले मैं भी यही खाऊंगा। काफी यूनिक चीज है। एक तो ना ये जो मट्ठी है तो नॉर्मल मट्ठी नहीं है, मुक्ति के बुत्थे के जितनी तो मट्ठी है इनकी। और अब बारी आ गई है कुलचे, भीगे हुए कुलचे खाने की, और साथ में इन्होंने अचार भी दिया हुआ है और ऊपर प्याज छिड़का हुआ है। ये हाथ से खाने चम्मच से खाने समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। ये अचार प्याज और छोले का बेस्ट कॉम्बिनेशन। बढ़िया लग रहा है। और जो प्राइस है ना इन चीजों की, ओनली रुपीज 20, 20 रुपए की प्लेट है। हाँ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। चलो कोई नहीं, छोलों का टेस्ट ना यहाँ पे हमें लगा बहुत ज्यादा डिलीशियस। गजब, तो हमने ना वैरायटी बहुत ज्यादा निकाली हुई है और सोचा कि पेट पूजा अच्छे से कर लेते हैं। जो चीज अच्छी नहीं लगी वो है ये थर्मोकोल की प्लेट, इको फ्रेंडली। और गर्म चीज वैसे भी थर्मोकोल वैसे भी नहीं खानी चाहिए। हाँ। अमृतसर की एक बहुत ज्यादा फेमस है डिश, वाह नाम है उसका फिश। तो जी अमृतसर फिश खाने आया मक्खन फिश पे, पर तुम हम नहीं बोल सकते। हाँ। बोलो मैं खाने आया हूँ, मैंने तुम्हें मना नहीं किया तो वो खुद से मना कर रहे हो। कर दिया हमने मना। तो अंदर देखते हैं और देखते हैं इनकी बच्ची में ऐसी क्या बात है जिसने इनका एम्पायर इतना बड़ा कर दिया। सही बात है। आ चुकी है अपनी फिश फ्राइड सिंगाड़ा, जो कि एक प्लेट है और कॉस्ट है इसकी 400 रुपए। मेन्यू में मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी ना वो ये कि भाई साहब यहाँ पे ना अमृतसरी फिश के नाम से कोई नाम है ही नहीं है। वैसे अगर आप पूरी दुनिया में कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे ना आपको मिल जाएगी अमृतसरी फिश, पर यहाँ का मेंशन होता है ना लिखा हुआ फिश ब्रैकेट में वर्ल्ड फेमस। अब जरा देखते हैं ये वर्ल्ड फेमस फिश कैसी टेस्ट करती है साथ में अपने मेयोनीज और हरी चटनी। वेज ऑप्शंस, वेज वन मोर वेज और प्याज भी है। मैं थोड़ी चटनी खा लेता तब तक, मेरे ना इसमें मसाला ऊपर डाला हुआ ना उसकी खुशबू आ रही है मुझे बड़ी स्वाद स्वाद। जरा डुबोते हैं मेयोनीज में साथ में हरी और चटनी में। क्या बात है, यही स्वाद है, मजा ही आ गया खाने। डिलीशियस, सच में डिलीशियस। अमृतसर में आ गए ना, जितने भी हम फेमस फेमस जगहों पे जा रहे हैं, हाँ यार वैसे देखा पता लग रहा है कि वो फेमस क्यों है। और ना टेस्ट एंड गल बात, पूरा एंड गल बात। और ज्यादातर ना कई फेमस जगह पे आप जाते हो ना ओवर हाइप भी बहुत जगह होती है, बट ऐसा यहाँ पे ज्यादा नहीं हुआ। एक दो जगह ज्यादा ओवर हाइप हमें लगी वो हमने आपको बता दिया, कवर नहीं करी हमने। नहीं हाँ, वो हमने कवर नहीं की क्योंकि वो मुझे ज्यादा ओवर हाइप लगती है, हम काफी बार वहाँ पे गए हैं, बट बाकी उसके अलावा जितनी भी जगह हम गए ना सारी बहुत बढ़िया, सारी बहुत बढ़िया। और इसका तो देखो मैं बता नहीं सकता, बट इसकी हरी चटनी बहुत स्वाद है, तो अगर आप हरी चटनी के फैन है तो आप यहाँ आ सकते हैं। बट ओंकार भाई फिश बढ़िया, फिश बढ़िया, थोड़ी सी महंगी लगी पर मुझे, 400 रुपए की है यार इतनी सी। तो ओंकार अपनी फिश एंजॉय करता है, बट हम ना अपने डिनर को यही नहीं रोकेंगे, बढ़िया से वेज रेस्टोरेंट चलते हैं इसके बाद और बढ़िया सी कोई चीज ट्राई करते हैं। तो भाई साहब ओंकार रंधावा जी ने खा ली अपनी टेस्टी टेस्टी मछली और अब बारी आ चुकी है मेरी टेस्टी चीज खाने की। मैं भी खाऊंगा, वो है कुल्फा। ओंकार नहीं खाएगा। कौन बोला? मैंने ही बोला। देखो तुमने वो चीज खाई हम नहीं खा सकते। मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया ना खाने से। अब एक चीज तुम्हें ऐसी हम ऐसी खाएंगे जो तुम नहीं खा सकते। देखो ये जो कुल्फा है ना होता ये सेम फलूदे की तरह ही है, फिर
अमृतसर के अलावा कहीं और मिलता नहीं है, तो इसको भी ट्राई करना बिल्कुल बनता है और मैं खाऊंगा। सही बात है, मैं खाऊंगा। चलो ये फलूदा नहीं है, ये फलूदे का प्रीमियम बड़ा वाला वर्जन है, बड़े भैया हैं ये इसमें, क्योंकि फिरनी भी जा रही है, रबड़ी भी जा रही है, बहुत चीजें हैं। और गूंद कतीरा मुझे बहुत बढ़िया लगा इन्होंने जो ऐड किया ना, उसकी वजह से गर्मियों में ना आपको ठंडक भी मिलेगी। टेम्पटिंग की पूरी है ये, टेम्प्टनेस, टेम्प्टनेस। अंग्रेजी सीखे सिर्फ 10 सेकंड में। टेम्प्टनेस की अगर आप बोलेंगे समझ गए, फीलिंग से समझ गए, टेम्प्टनेस की 100 नंबर तो इसको पक्का है। जो नीचे ठंडी ठंडी आइसक्रीम आ रही है ना मुंह में, नहीं सच्ची में स्वाद है, विदाउट एनी डाउट इट इज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। एक मिनट मैं इसका रेट पूछाता हूँ, मुझे क्योंकि पता नहीं है। कुल्फे क्या प्राइस है ना, वो है 80 रुपए, और 80 रुपीज में मैं अगर बोलूँ ना वर्थ इट वाली चीज है, वर्थ इट आया, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा डाली हुई है, स्वाद बहुत ज्यादा है, बचनी नहीं है अभी, ये नहीं बचती करके और 2 प्लेटें मंगाते हैं। सही बात है, अलग अलग बैठ के खाएंगे आराम से, ये बीच में मुंह मार रहे ना, मजा नहीं आ रहा, जल्दी खाओगे। जो गाइस अमृतसर की सारी फेमस जगहों पे हमने खाना खा लिया हुआ है, और भाई साहब बहुत ही ज्यादा मजा आया, ये सही बात है, और आनंद मस्तम हम लोग हो चुके हुए हैं। अब बारी आ गई है वीडियो को खत्म करने की, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, फटाफट उसे क्लिक करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो।